तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला है, अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि शॉपिंग के दौरान कहीं आपका आईडी भी हैक नहीं हो गया है। तो कैसे पता करेंगे और क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को प्रॉपरली जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए, लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिग बिलियन डे में आप लोग जरूर से जरूर शॉपिंग करेंगे, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अवगत कराना चाहते हैं और आपको फ्लिपकार्ट शॉपिंग में जो होने वाले लॉसेस है उससे बचाने के लिए मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाने जा रहा हूं। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी जिससे कि आपका लॉस होने से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे फ्लिपकार्ट सामान बहुत सारा ऑफर्स आता है या कि लूट डील से आता है, जो कि 500 का सामान है आपको 200-300 रुपया मिल जाता है और बहुत सारे कस्टमर क्या कर लेते हैं कि ऑर्डर कर लेते हैं। कि ऐसे स्थिति में होता क्या है कि उसका सामान तो आ जाता है बट वो फ्लिपकार्ट का जेन्युइन सेलर नहीं होता। जितना भी फ्लिपकार्ट में सामान वगैरह होता है वो फ्लिपकार्ट का नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट में जो सेलर एड रहते हैं वो सेलर देते हैं, जो कि पार्टनरशिप यानी कि कमीशन पर फ्लिपकार्ट में अपना कंपनी को रजिस्टर्ड करके रखते हैं। तो ऐसे में अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करके जो भी ऑफर्स वगैरह सामान आता है और वो आप शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी सेलर आपको वो सामान लाकर देता है, जिससे कि आपका वो सामान, जो सामान आप ऑर्डर किए हैं वो सामान आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपका लॉस होगा और वो आप रिटर्न भी मारना चाहिएगा तो रिटर्न नहीं होगा। और इसके बाद दूसरा ये केसेस देखा गया है कि फ्लिपकार्ट में जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट कभी कभी हैक कर लिया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। और थर्ड पार्टी का हैक करने के बाद होता क्या है कि जब आपका फ्लिपकार्ट में आप ऑर्डर मारते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ लास्ट डेट शो करता है, जो कि CPD यानी कि कस्टमर प्रोमिस डेट, आपको लास्ट डेट दिखाता है कि अगर आप 25 तारीख को ऑर्डर मारे हैं तो आपका पार्सल लगभग नेक्स्ट मंथ 5 तारीख या 4 तारीख तक आ जाएगा। ये फ्लिपकार्ट आपको डेट दे देती है कि इस डेट तक हम आपको सामान पहुंचा देंगे। बट इन केसेस अगर आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक हो जाता है तो ऐसे में क्या करती है कि वो फ्लिपकार्ट का जो मेन सेलर है वो ना दे करके थर्ड पार्टी का सेलर जो है क्या करती है कि आपका अकाउंट हैक करके उसी रेंज का किसी और सामान को आपको फ्लिपकार्ट सेलर से पहले पहुँचा देती है। अगर आपका सामान 5 तारीख को आने वाला है तो वो आपका क्या करेगी कि आपको 28 तारीख 29 तारीख यानी कि उससे 2-4 दिन पहले ही आपको लाकर पहुंचाकर दे देगी। अगर आप उस सामान को रिसीव कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो आपका सामान रिटर्न नहीं होता है, यानी कि आपका बायोड में जो कि आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट में जब आप ऑर्डर पर चेक करिएगा तब वो सामान आप रिसीव कर चुके होंगे बट वो सामान आपका डिलीवर शो नहीं करेगा। इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि आपका फ्लिपकार्ट का जो ओरिजिनल सेलर है वो आपका सामान पहुंचाया नहीं है, बट कि ये थर्ड पार्टी बाहर से आपको ये सामान दे दिया है और आपको लगेगा कि ये फ्लिपकार्ट से ही आया हुआ। अब आपको सावधानी बरतनी कहाँ है आपको ध्यान से सुनना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी आप किसी सामान को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उसका पैकेट आपको मैं दिखा देना चाहूँगा इस टाइप से रहेगा, जो कि ओरिजिनल फ्लिपकार्ट से जो भी ओरिजिनल सेलर अपना प्रोडक्ट को भेजती है तो इस टाइप का पैकेट में भेजती है, जो कि आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको फोटो में दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी का सेलर अगर पार्सल भेजती है तो आपका उसका प्रोडक्ट का पैकेट जो है इस टाइप से रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर मेरे बाएँ साइड दिख रहा है। तो आपको दोनों को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है कि दोनों का अंतर क्या है। आपको इसमें आपको ओरिजिनल जो फ्लिपकार्ट से जो सामान आएगा उसमें आपको फ्लिपकार्ट का लोगो रहेगा पैकेट में भी, और इसका स्टिकर जो है इस पर अमाउंट वगैरह दर्शाया नहीं रहेगा, यानी कि आपका अमाउंट हाइड रहेगा। वही अगर आप डुप्लीकेट वाले की देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी वाले सेलर जब भेजती है तो यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा कि स्टिकर इसका देखने का अलग रहेगा और इसमें जो कि पैकेट में लिखा रहेगा कुछ अलग टाइप का रहेगा, यानी कि कहीं भी इसका पैकेट में जो है फ्लिपकार्ट का लोगो नहीं रहेगा। और इसके साथ आपको इस पर अमाउंट दिखेगा। इससे बड़ा डिफरेंसेस मैं आपको दिखा देता हूं। पहला बात, आपको फ्लिपकार्ट का जो ओरिजिनल पैकेट होगा उस पर फ्लिपकार्ट का लोगो रहेगा, इसके बाद स्टिकर में
आपका जब भी COD हो या प्रीपेड हो उसमें अमाउंट नहीं शो करेगा, यानी कि अमाउंट हाइड रहेगा, बट वही आप थर्ड पार्टी सेलर का जो प्रोडक्ट देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसको फ्लिपकार्ट का लोगो नहीं रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये रहेगी कि उसमें अमाउंट दिखेगा। आपको अच्छे से देख लेना है तो आपको ओरिजिनल वाला पैकेट देख कर ही लेना है, यानी कि आपका 2-4 दिन पहले आ जाएगा फ्लिपकार्ट का ओरिजिनल सेलर देने से पहले ही ये डुप्लीकेट वाले पहले आएगी, लेकिन आपको डुप्लीकेट का पहचान करके आपको रिसीव नहीं करना है, यानी कि उसे कैंसिल करा देना है। अगर आप उसे कैंसिल करा देते हैं तो इससे आपका आपका जो ओरिजिनल पार्सल है या आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है या ओरिजिनल ऑर्डर है वो आपका कैंसिल नहीं होगा। आप जा करके चेक कर सकते हैं। जब आप इसके सामान को कैंसिल करा दीजिएगा इसके बाद भी आपका वो ओरिजिनल वाला सामान जो है 2-4 दिन इसके बाद आएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट है ये आपको रिसीव करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि जिसको जब सामान वो ऑर्डर करते हैं और रिसीव करने के बाद जो उसका सामान जो होता है उसको पसंद नहीं आता, या साइज इशू हो जाता है, या फिर कलर डिफरेंट हो जाता है, या फिर क्वालिटी इशू होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हो क्योंकि माई ऑर्डर पर जाकर के उस सामान को रिप्लेस कर लेते हैं या फिर उसका रिफंड ले लेते हैं। बट अगर आप थर्ड पार्टी का जो सामान लेते हैं उसमें क्या होता है कि ना ही आपका रिफंड होगा, ना ही कैंसिल होगा, ना ही रिप्लेसमेंट होगा, तो ऐसी स्थिति में ना ही आपको प्रॉपर सामान मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको जो सामान आप ऑर्डर कीजिएगा वो सामान आपको मिलेगा ही नहीं। अगर वो सामान आपको मिलेगा नहीं तो आप तो लेना चाहिएगा नहीं, तो आप जब आप उसको रिटर्न मारने चाहिएगा, कैंसिल मारने चाहिएगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन नहीं रहने की वजह से आप उसको रिटर्न नहीं कर पाइएगा, जिससे कि आपका वो पार्सल आपके पास अटक जाएगा। तो सावधान रहिए और सचेत रहिए, और इस टाइप से आप हंसते मुस्कुराते हुए नेक्स्ट बिग बिलियन जो आने वाला है इस पर खुशी से मस्ती से शॉपिंग करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो उसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ऐसा वीडियो आज तक कोई नहीं लाया होगा, फर्स्ट मेरा ही वीडियो है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेके आता हूँ। तो आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो बाय बाय, टेक केयर, जोहार एंड जय हिंद।